नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस चित्र को देखिए और उन शब्दों को देखिए, आपके दिल को छूने की कोशिश रखते हैं। देखिए, सफल होना है तो अंतिम सांस तक लड़ते रहो, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि ये एक जीव को अपनी चोंच के अंदर ले जाता है। अब तो उसकी सांसें बिल्कुल समाप्त ही होने वाली थीं, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और उसकी गर्दन अपने हाथों से पकड़ ली और वो बचने में कामयाब हो गया। इसी प्रकार से ये जो मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि हमें कभी भी अंतिम समय तक अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए और लड़ने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन विजय ज़रूर हासिल होगी। जैसा कि अभी हाल ही में UPPCS प्री 2018 का एग्ज़ाम आउट हुआ है, जिसमें काफ़ी छात्र सफल भी हो गए होंगे, काफ़ी छात्र असफल भी हुए हैं। लेकिन जो लोग असफल हुए हैं, उनके लिए निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना जहाँ पर भी जिस फील्ड में कमियाँ रह गई हैं, उन कमियों को पूरा करें, सुधारें और फिर से नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ नए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फिर से लग जाएं। और जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है, वो तुरंत ही बिना समय बर्बाद किए मेंस की परीक्षा के लिए तन मन धन से लग जाइए, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। उल्टी गिनती मान लीजिए शुरू हो गई है, ठीक है। मार्केट में मैटर भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ वहाँ से जहाँ से भी या गूगल पर सर्च करके जो भी सिलेबस में टॉपिक हैं उनको सर्च करके और उनका नोट्स तैयार करके, क्योंकि आपको एक ही बार किसी चीज़ को पढ़ने का मौका मिलेगा। 17 जून को मुख्य परीक्षा है, इसके बाद आप सोचें कि हम इसको रिवाइज भी कर लें तो रिवाइज करने का भी मौका बहुत ही कम मिल पाएगा, जहां पर एक सब्जेक्ट भी आपको तैयार करना है और चारों GS के पेपर भी याद करने हैं, निबंध भी तैयार करना है, हिंदी का भी पेपर तैयार करना है। तो कम मान लीजिए कि बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे हम लोग, ठीक है। अंत में जीत हमारी ही होगी, ठीक है दोस्तों। तो लग जाइए पूरे जोश और होश के साथ